लक्ष्य पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास सेवन्थ के तमाम बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास सेवन्थ के हिंदी विषय में फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है शक्ति और क्षमा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित यह कविता शक्ति और क्षमा के बारे में आज अध्ययन करेंगे, लेकिन उनसे पहले कवि परिचय जानना लाजमी है। शक्ति और क्षमा नाम की जो कविता है उनमें उनके जो कवि हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर, और हम रामधारी सिंह दिनकर जी का कवि परिचय देखते हैं सबसे पहले, जीवन परिचय सॉरी, कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची और उनका जन्म कहाँ हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में, उनका जन्म कब हुआ, 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में, बिहार राज्य में बेगूसराय नाम का जिला है और उसमें छोटा सा गांव है सिमरिया, सिमरिया सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था, ग्राम यानी गांव। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा, राष्ट्रीय धारा यानी राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर लेखन कार्य करना, उनको बोलते राष्ट्रीय धारा। राष्ट्रीय धारा के कवियों में दिनकर जी का मुख्य स्थान है, यानी उनका स्थान प्रमुख है। कविता के साथ साथ गद्य लेखन में भी आपको यश प्राप्त है। हुंकार, रेणुका, रसवंती, रामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी, ये उनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं जो है उनमें नाम है संस्कृति के चार अध्याय, मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, ये यहाँ तक है काव्य की भूमिका आदि इनकी मुख्य गद्य शैली में लिखी गई रचनाएं हैं। और 24 अप्रैल 1974 में इनका देहांत हो चुका था। शक्ति और क्षमा कविता के बारे में पढ़ते हैं। ये पंक्तियां जो है ये महाभारत कालीन एक प्रसंग से जुड़ी हुई है, जब पांडव और कौरवों के बीच राज्य का विभाजन को लेकर विवाद था, उस संदर्भ में ये पंक्तियां ली गई है कि पांडवों का जो प्रस्ताव लेकर, विभाजन का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचते हैं तो दुर्योधन उनके प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देता है। फिर बाद में दोबारा उसके पास प्रस्ताव लेके पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हमें हस्तिनापुर का आधा हिस्सा नहीं चाहिए, हमें मात्र छोटे छोटे 5 गांव गिनकर दे दो, उन्हीं में पांडव जो हैं वो संतुष्ट होकर अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन चूंकि स्वभावतः अहंकारी था, अहंकार के मद में चूर होकर उन्होंने कहा कि 5 गांव तो बहुत ज़्यादा है, 5 गांव तो बहुत ज़्यादा है, सुई की नोक जितनी जगह भी मैं पांडवों को दूंगा नहीं, हस्तिनापुर मेरा है और मेरा ही रहेगा। उस बात के प्रसंग में, यानी जो प्रसंग वहाँ आया था महाभारतकालीन, उसी प्रसंग में ये पंक्तियाँ ली गई है। देखते हैं इनमें क्या कहते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, और ये युधिष्ठिर के लिए है कि हे स्वामी, आपने क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, यानी जितने भी मनुष्य में ये गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण आप में हैं, पर नरव्याग्र, नरव्याग्र, नर का अर्थ होता है व्यक्ति या मनुष्य और व्याघ्र का अर्थ हो गया शेर, तो यहां इसका शाब्दिक अर्थ हो गया शेर के समान नर या शेर के समान सामर्थ्य वाला व्यक्ति, यानी युधिष्ठिर के लिए शब्द आया। और सुयोधन, सुयोधन शब्द आया है दुर्योधन के लिए, किसके लिए, कौरवों का जो ज्येष्ठ पुत्र था वो सुयोधन, उन्हीं के लिए ये शब्द आया, जिसका बचपन का नाम, पहला नाम सुयोधन था, बाद में उनके आचरण व्यवहार के कारण उसका नाम दुर्योधन पड़ गया या दुर्योधन के नाम से उनको जाना जाने लगा। तो ये देखो क्या कह रहे हैं कि सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा,
क्षमा दया त्याग तप मनोबल सबका लिया सहारा, पर हे नर व्याघ्र हे युधिष्ठर तुमसे दुर्योधन कब हारा। कहां तक उन्होंने हार स्वीकार की। अर्थात आप जितने विनम्र होकर शत्रु के समक्ष दुर्योधन के समक्ष पहुंचे वो उतना ही आपको कायर समझता गया। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील यानी नत विनित सरल स्वभाव का जो दूसरों को क्षमा कर देता हो। रिपु का अर्थ हो गया शत्रु और समक्ष का अर्थ हो गया सामने, समक्ष का अर्थ हो गया सामने। तो क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, कि हे युधिष्ठिर तुम अब शत्रु के समक्ष, चूंकि वैसे तो वो उनका भाई था लेकिन जब विवाद हो गया तो शत्रु की ही संज्ञा उनको दी गई है, तो क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, तुम जितना सहज सरल झुककर विनित होकर शत्रु के समक्ष पहुंचे, दुष्ट कौरवों ने यहाँ संपूर्ण कौरवों के लिए आया है न कि केवल दुर्योधन के लिए, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, दुष्ट कौरवों ने तुम्हें उतना ही कायर समझा कि तुम्हारी भुजाओं में पर्याप्त बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, इसलिए तुम बार बार अनुनय विनय कर रहे हो। एक सीमा से ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा विनम्र होना भी शायद मनुष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। इसी बात को अन्य उदाहरण से समझाने की कोशिश की है कवि ने। देखो, क्षमा सोबती उस भुजंग को, भुजंग यानी सर्प, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, गरल यानी जहर, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, जहर। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई, एक मैसेज है इन पंक्तियों के अंदर, एक संदेश है। देखो वो क्या संदेश है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को, माफी करने का जो गुण है वो उसी भुजंग उसी सर्प में होना चाहिए जिसके पास गरल हो, गरल यानी जहर। उसके पास क्या ऐसा सर्प जो दंतहीन, जिनके मुंह में दांत नहीं हो, विष नहीं हो और सरल स्वभाव का हो, वो अगर किसी को माफ कर दे तो वो माफ नहीं है, वो माफी उनको शोभा नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनके पास न तो विष है न दांत है और उनका स्वभाव भी सरल है, तो ये उनको शोभा नहीं देती। अर्थात कवि के कहने का भाव ये है कि सर्प का अर्थ यहां वैसे देखें तो योद्धा के संदर्भ में आया है, योद्धा सूरवीर या योद्धा के संदर्भ में आया है, और कवि के कहने का भावार्थ यह है कि इस संसार में क्षमा जो है उसी वीर योद्धा को शोभा देती है, उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिनकी भुजाओं में अपार शक्ति हो, जो शक्तिशाली हो और रिपु को जो शत्रु जो है उसको धूल चटा सकता हो, वो अगर माफ करता है शत्रु को तो ये उसको शोभा देता है, न कि कोई बुजदिल सा कायर सा व्यक्ति योद्धा, किसी महान सूरवीर योद्धा को कह दे जा मैंने तुझे माफ किया तो वो उनको शोभा नहीं देता। वो तो इस बात का पर्याय है कि उनकी भुजाओं में दम नहीं है, इसलिए वह युद्ध को टालना चाहता है, अर्थात हार स्वीकार नहीं कर उसको दूसरा नाम देना चाहता है। अगली जो पंक्तियां हैं वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के जो विभिन्न कांड थे, जैसे सात कांड थे, सात कांडों में जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्कंधा कांड है, लंका कांड है और उत्तरकांड है। तो जैसे सात कांड मैंने बताए उन्हीं में से एक है उत्तरकांड के पूर्व,
यानी जब भगवान श्री राम हनुमान की वानर सेना और नल और नील जैसे सूरवीर योद्धाओं के साथ समुद्र को पार करकर माता सीता को रावण के चुंगुल से मुक्त करवाने के लिए रास्ता बनाकर वहाँ से जाना चाहता था, उसी प्रसंग को इन पंक्तियों में दिखाया गया है या उसी प्रसंग के संदर्भ में ये पंक्तियाँ ली गई है। देखो इन पंक्तियों में क्या है, तीन दिवस तक पंथ मांगते, तीन दिवस, दिवस का अर्थ हो जाएगा दिन, क्या अर्थ हो जाएगा दिन, तीन दिन तक पंथ पथ यानी रास्ता, रास्ता मांगते यानी मांगना, रघुपति, पहले हार्ड वर्ड लिखा दूं मैं, रघुपति का अर्थ हो जाएगा श्री राम, भगवान श्री राम, सिंधु समुद्र, कविता में पंक्तियों में जो हार्ड वर्ड है जो कठिन शब्द है उनके अर्थ लिख दें, उसके बाद में उसका अर्थ करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय विनय के प्यारे 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 प्यारे। अब देखो इसका अर्थ क्या निकल कर आता है, मैथिली शरण गुप्त, सॉरी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये पंक्तियां जो है, जैसा मैंने बताया कि रामचरितमानस के जो उत्तरकांड है उससे उसमें एक प्रसंग आता है, उसी प्रसंग के संदर्भ में ये बात कही गई है कि माँ सीता का पता लग चुका था, अब चूंकि उन्हें रावण के चुंगुल से मुक्त करना था तो लंका पहुंचने से पहले बीच में एक समुद्र पड़ता था, महासागर पड़ता था, और उसी समुद्र देवता के समक्ष राम खड़े होकर अनुनय विनय कर रहे हैं और वही अर्थ इनमें लिया हुआ है। देखते हैं, तीन दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री राम तीन दिन तक समुद्र के किनारे खड़े हाथ जोड़कर नतमस्तक कर रास्ता मांग रहे हैं, हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दीजिए ताकि मैं अपनी धर्म पत्नी को दुष्ट रावण के चंगुल से मुक्त कराकर अपनी अयोध्या नगरी वापस आ सकूं। लेकिन क्या हुआ, रावण का सॉरी समुद्र देवता पे राम के अनुनय विनय का कोई प्रभाव पड़ा नहीं, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, यानी वहाँ बैठे रहे और कई तीनों तीन दिनों तक जो छंद वगैरह है वो पढ़ते रहे और विनती करते रहे, लेकिन समुद्र देवता जो है टस से मस न हुए, यानी राम की जो अनुनय विनय है उनका समुद्र देवता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर का अर्थ हो जाएगा जवाब, क्या अर्थ हो जाएगा जवाब, नाद का अर्थ होता है स्वर, आवाज या स्वर, सागर का वही अर्थ समुद्र, अधीर यानी जो धीर नहीं हो, धधक ज्वाला, पौरुष यानी पुरुषत्व की शक्ति, आग राम के सर से, सर का अर्थ हो जाएगा यहाँ तीर या बाण, बाण भी बोलते हैं इनको, सिंधु यानी वही समुद्र, देह शरीर, त्राही त्राही परेशान होकर चिल्लाकर करता आ गिरा शरण में, शरण पूज दासता, दास यानी गुलामी, ग्रहण की यानी स्वीकार की, बंधा मूड बंधन में। अब इनका देखो भावार्थ क्या निकलता है, अर्थ क्या निकलता है कि भगवान श्री राम तीन दिन तक समुद्र के समक्ष खड़े होकर अनुनय विनय कर रहे थे, लेकिन प्रत्युत्तर में जवाब में समुद्र देवता की तरफ से एक स्वर भी नहीं लिखा, यानी उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, कि सागर की तरफ से जवाब के तौर पर एक स्वर भी नहीं आया, अंततः उठी अधीर
जो धैर्य भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो धैर्य वो अधीर हो गया, धधक पुरुष की और उनकी भुजाओं में पुरुषत्व की जो शक्ति है वो धधकने लगी, फड़कने लगी, आग राम के सर से। और राम ने अपने तुणीर से, तुणीर बोलते हैं तरकस को जो वीर योद्धा अपनी पीठ पर बांध के रखते हैं जिसमें तीर रखे जाते हैं, तो आग राम के सर से, तो राम ने अपनी धनुष पे एक आग अग्नि बाण चढ़ाया और जैसे ही अपनी बाण पे राम ने तीर चढ़ाया तो उनको देखते ही समुद्र की हालत देखने लायक थी। सिंधु देहधर और जो समुद्र देवता थे वो मानव रूप में या अपने वास्तविक शरीर धारण कर त्राहिम त्राहिम करने लगे, यानी बचाओ बचाओ के आवाज़ से चिल्लाकर अपनी वास्तविक जो आकार है रंग रूप है वो धारण कर कर करता आ गिरा शरण में और भगवान श्री राम के शरण में चरणों में आकर गिर गया। चरण पूज और उनके चरण जो है उनको पूजा, चरणों की धूल है उनको अपने माथे से लगाई, दासता स्वीकार की और उनकी जो दासता है वो ग्रहण की, स्वीकार की बना मूढ़ बंधन में, और इस प्रकार से वो भी भगवान श्री राम के दास बनकर रह गए। अर्थात इस कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम इस संसार में किसी के सामने अनुनय विनय करते रहेंगे और बार बार अनुनय विनय करने का भी अगर कोई जवाब नहीं आता, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता, तब आपको क्या अपनी शक्ति से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि शक्ति की ही पूजा होती है। क्षमा उसी, जैसे पूर्व में बताया था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहित विषरहित हो, यानी उस सर्प को क्या क्षमा शोभे जिसके पास न तो जहर है न दांत है काटने के लिए। जैसा मैं एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे दुमू ही आप देखते हो, सांप की ही प्रजाति का एक जीव है जो दिखने में बड़ा डरावना लगता है, मोटी बड़ी भारी भरकम शरीर वाली होती है, दुमू ही नाम सुना आपने, देखा भी होगा, बहुत मात्रा में पाई जाती है, आराम से इजी वे में आप देख सकते हो। तो जैसे प्रथम दृष्टया हमारी नज़र उस पर पड़ती है तो हम डर के मारे उछल कर पड़ते हैं, दूर हो जाते हैं, और जब बाद में पता चलता है कि ये दुमुई है तो हम लकड़ी से उसको छेड़ते रहते हैं, यानी हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? क्योंकि उनके पास जहर नहीं है, वो हमें काटती नहीं है, इसलिए हम उनसे डरते नहीं हैं। और उसकी जगह अगर उसकी उससे भी छोटा सा अगर सर्प हो तो क्या हम ये काम कर दें? नहीं, शायद कदाचित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सर्प के डसने का और जहर से हमारी मृत्यु होने का भय सताएगा, इसलिए हम उनके पास भी नहीं जाएंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर ने यह संदेश दिया है कि संसार में पूजा उसी की होती है जिसके पास, जिनकी भुजाओं में अपार बल शक्ति हो। सच पूछो तो सर में ही शर बाण, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, दीप्ति यानी चमक रोशनी, विनय यानी विनती प्रार्थना या प्रार्थना। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की, विजय यानी जीत। देखते हैं इसका क्या अर्थ निकलता है। शक्ति आप जानते हो, ताकत जोर बल। सच पूछो तो, कवि ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की। सर, सर का अर्थ होता है बाण, कि जैसे ही, कवि का कहने का भाव ये है कि जैसे ही राम ने अपनी धनुष पे अग्नि बाण चढ़ाया त्यों ही क्या हुआ, समुद्र देवता हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर उनके चरणों में आकर गिर पड़ा। तो उसी के अर्थ में कहा कि सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, कि विनय अनुनय विनय किनकी
सर यानी ताकत, सर का अर्थ यहाँ ताकत से भी ले सकते हो, शक्ति से भी ले सकते हो, कि शक्ति के पीछे ही अनुनय विनय होनी चाहिए। संधि वचन संपूज्य उसी का, संधि यानी समझौता करना, जैसे युद्ध भूमि है और युद्ध भूमि में अगर कोई सूरवीर योद्धा अपने से कमजोर शत्रु को माफ कर दे या समझौता कर ले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं आप जाओ मैं आपको प्राणों की छूट देता हूं, यानी अगर प्राणों को छोड़ता हूं, तो संपूज्य यानी आदरणीय सम्माननीय उसी का। तो संधि शोभा युद्ध भूमि में जो संधि का प्रस्ताव शोभा किसको देता है, संधि शोभा किसको देती है, जिसकी भुजाओं में अपार बल हो। कोई दुबला सा या असहाय शत्रु अगर वीर योद्धा के सामने जाकर कहे कि मैं आपसे संधि करना चाहता हूं, इसका मतलब वो संधि नहीं कर रहा है बल्कि युद्ध की आशंका को टाल रहा है, यानी युद्ध से होने वाली क्षति से अपने आप को उबार रहा है या युद्ध से बचने का बहाना ढूंढ रहा है, उसको वो संधि का जो प्रस्ताव है शोभा नहीं देता। तो संधि वचन किसको शोभा देते हैं, जिनकी भुजाओं में अपार शक्ति हो, ताकत हो, बल हो। सहनशीलता, सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग, जग यानी संसार। जिस व्यक्ति के पास भुजाओं में अपार शक्ति होगी, ताकत बल होगा, उसके पास अगर सहनशीलता है, क्षमा है, दया है, तो उसको पूजा जाएगा, यानी उनकी क्षमा दया शीलता की कद्र होगी। और कमजोर सा व्यक्ति अगर सहनशीलता दिखाता है, क्षमा दिखाता है, दया दिखाता है, तो इट मीन्स वह भयभीत है, डरा हुआ है, बाकी उनके पास वो गुण नहीं है। बल का दर्प, बल ताकत जोर, दर्प, दर्प का अर्थ वैसे घमंड होता है लेकिन यहाँ गर्व मान लो, हालांकि ये एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है, गर्व और घमंड में अंतर होता है हिंदी की दृष्टि से। चमकता उसके पीछे सब जगमग है, और ताकत के पीछे, सामर्थ्य के पीछे, शक्ति के पीछे ही जो घमंड है या जो गर्व है वो चमकता है। बिना ताकत के, बिना शक्ति के अगर कोई गर्व करे अपनी भुजाओं पर, तो वो गर्व उनका ज़्यादा दिन तक स्थायी नहीं रहता, या यूं कहूं कि ये संसार जो है, ये जग जो है, उसको स्वीकार नहीं करता है, उसकी ताकत को, उसकी घमंड को। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शक्ति और क्षमा नामक पाठ आपका कंप्लीट होता है, और इस पाठ से संबंधित चाहे वो व्याख्या हो, सह प्रसंग व्याख्या हो, या अभ्यास कार्य से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हो, वो सारे आपको पीडीएफ के माध्यम से अलग से भेज दी जाएंगी, उनको आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में राइट करना है, लिखना है। धन्यवाद।